गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द पैच गाय। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बजीज का पेयर किस तरह लगाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है और ज़्यादातर जो नए शौकीन होते हैं उनको इस ये काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो बस जाते हैं जाके बाज़ार से दो फीमेल्स या दो मेल्स ले कर आ जाते हैं, या अगर वो एक जोड़ा ले कर आई भी तो अंडर एज होता है और उसे आते ही वो केज या बॉक्स दे देते हैं, जिसकी वजह से फीमेल में चर्बी का इशू आ जाता है जिससे वो आगे ब्रीड नहीं कर पाती। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रॉपर जोड़ा किस तरह लगाया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जोड़ा वर्किंग का जोड़ा है जिसमें फीमेल एक्जिबिशन रेड आइज की है और मेल PCB का है। इसके फोर फादर्स जो हैं वो भी एग्जिबिशन में से निकले हुए हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्या इनकी एज पूरी है। जो एग्जिबिशन होता है वो 8 मंथ्स के बाद ब्रीड के काबिल होता है। बेहतर होता है कि आप उसको 1 ईयर के बाद ही ब्रीडिंग पे लगाएं, क्योंकि 1 ईयर तक वो अपना साइज़, अपना हेड, अपना ग्लो, सब कुछ ठीक कर लेता है। 8 मंथ्स का भी लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन 8 महीने से पहले का एग्जिबिशन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर अगर वो ब्रीड कर दे तो उसके बाद उसकी ब्रीड करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके सबसे पहले चीज़ जो हमें एज के बाद देखनी होती है वो होती है कि क्या ये मेल और फीमेल ही हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो भी आपको 2 मेल दे देते हैं या 2 फीमेल दे देते हैं। तो मेल और फीमेल की पहचानी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊँगा, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके बाद आपने देखना होता है कि इनके पीछे क्या है, मतलब इस मादा के पीछे अगर TCB है और ये नर के पीछे भी TCB है तो 50% चांसेस होते हैं TCB निकलने के, और 25% चांसेस होते हैं रेड आइज़ के, और 25% चांस होते हैं डबल फ्रैक्चर के, जो कलर में बिल्कुल येलो होता है लेकिन उसकी जो आँखें हैं वो ब्लैक होती हैं, वो ब्लैक आइज़ कंसिडर किया जाता है। तो आपने देखना होता है कि दोनों के पीछे क्या चीज़ है। अगर इस नर के पीछे भी रेड आइज़ होगा और इसके पीछे भी रेड आइज़ होगा तो ज़्यादा बच्चे रेड आइज़ निकल सकते हैं, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर इस नर के पीछे कोई एग्जिबिशन नहीं होगा तो फिर एग्जिबिशन का निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ फीमेल से एग्जिबिशन नहीं निकल सकता। उसके बाद जो प्रॉपर वर्किंग की जाती है उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि जो नर होता है वो माँ पे जाता है और जो फीमेल होती है वो बाप पे जाती है। अगर इस फीमेल का बाप TCB है और इस मेल की माँ TCB है तो फिर 75% चांसेस बन जाते हैं कि आपके पास TCB निकले। और अगर इन दोनों, अगर इस नर का माँ रेड आइज़ है और इस मादा का बाप रेड आइज़ है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है TCB निकलना और रेड आइज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। जब हम वर्किंग करते हैं तो हम ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि आगे जो रिज़ल्ट निकले वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो। आपको TCB एग्जिबिशन और ज़्यादा म्यूटेशंस की वीडियो में बना के अपलोड करता रहूँगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।